अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जिस तरह से हमारी कंटेंट राइटिंग की प्लेलिस्ट कंटिन्यू थी, इंशाल्लाह इसको अब हम कंप्लीट करेंगे और आपका जो भी आर्टिकल में डेटा रह गया था वो इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करवा के आपका एक कम्प्लीटली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल कंप्लीट करवाएंगे इंशाल्लाह। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी हाउ टू एक्सट्रैक्ट डेटा फॉर एन आर्टिकल, कि आर्टिकल के अंदर हमने डेटा कलेक्ट कहाँ से करना है, एक्सट्रैक्ट कहाँ से करना है। आज इंशाल्लाह उस आर्टिकल के डेटा को हम एक्सट्रैक्ट करके उसको ऑप्टिमाइज करके मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आपने उस आर्टिकल को साइजिंग देनी है और उसको ऑप्टिमाइज करना है। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। स्क्रीन पे जाने से पहले जो व्यूअर्स चैनल पे न्यू आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गूगल ओपन कर लेंगे। गूगल को ओपन करने के बाद गूगल डॉक्स के अंदर जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर अपना आर्टिकल सेव करके रखा है उसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। ये हमारा वो आर्टिकल ओपन हो गया है जो हमने चैट जीपीटी पे कमांड दे के लिखवाया था। लिखवाने के बाद अब हमने इसको जस्ट यहाँ पे पेस्ट किया है। ये क्या है, गूगल डॉक्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि यहाँ पे इसको हम यूज करते हैं एज अ एमएस वर्ड। तो इसपे हम पहले अपना आर्टिकल पेस्ट करके उसकी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, किस तरह से उसके फॉन्ट ठीक करेंगे, उसकी ग्रामर मिस्टेक सॉल्व करेंगे और उसके बाद उसकी प्लेजरिज्म रिमूव करेंगे। और उसके बाद हम इसकी आर्टिकल यहाँ पे पेस्ट करने के बाद हम इसकी जो प्रीवियस मैंने आपको बताया हुआ है कि हमने इसकी प्लेजरिज्म चेक करनी है, ग्रामर मिस्टेक्स चेक करनी है, एआई डिटेक्शन चेक करनी है। तो फिर हम इसको करने के बाद फिर हम इसको फुली ऑप्टिमाइज करेंगे। सबसे पहले हम इसका जो है साइज जो है वो ठीक करेंगे। टाइटल का जो वर्ड है वो हम इसके साथ से रिमूव कर देंगे और उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको टाइटल की हेडिंग देंगे और इसको बोल्ड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन भी रिमूव कर देंगे हम, क्योंकि कभी भी आपने लिखना नहीं है साथ हेडिंग देके क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है। और आपका इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, मैंने आपको बताया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्टिकल के अंदर कि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो 4 to 5 लाइंस का आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए और उसके अंदर आपका कीवर्ड भी आना जरूरी है। और इसके अलावा जो है ग्रामर मिस्टेक्स हम साथ साथ की सॉल्व करते जाएंगे जो इसके अंदर आएंगी। फिर आ गई हमारी फर्स्ट हमारी जो है हेडिंग आ गई। हेडिंग को हम साइज देंगे, ये हम उसको साइज देते हैं H1 का, ठीक है। और इसको हम कर देंगे बोल्ड, क्योंकि कोई भी जो हेडिंग होती है वो बोल्ड होती है, ओके। उसके बाद हमारी सेकंड हेडिंग आ गई। ये जितनी भी हमारी हेडिंग्स हैं 10 तक, ये सारी की सारी जो है हमारी H1 ही रहेंगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी सब हेडिंग नहीं है। अगर इसके अंदर कोई भी सब हेडिंग आती है वो मैं आपको सब हेडिंग भी ऐड करके दिखा दूंगा कि किस तरह से आपने सब हेडिंग ऐड करनी है। ये एक छोटा सा आर्टिकल है जिसके अंदर कोई भी सब हेडिंग नहीं है। जल्दी से इसकी जो हमने हेडिंग्स को साइज दे दिया। साथ साथ हम इनको बोल्ड करते जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए, क्लाइंट को सेंड करने के लिए। अगर यही हम अपने लिए आर्टिकल लिख रहे होते अपनी वेबसाइट पब्लिश करने के लिए, ये सब कुछ हम वर्डप्रेस के पैनल पे जाकर भी कर सकते थे। इसको करने की शॉर्ट फॉर्म भी होती है कि हम इसको शॉर्टकट कीज के थ्रू भी कर सकते हैं। उसको कहते हैं कंट्रोल ऑल्ट और वन। इससे क्या होगा, ये हमारे जो हेडिंग वन ऑटोमेटिक साइज आ जाएगा और कंट्रोल बी करेंगे तो जो है बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद आ गई हमारी कंक्लूजन को हम क्या करेंगे जी, H3 का साइज दे देंगे और इसको बोल्ड कर देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर कोई भी फिलहाल ग्रामर मिस्टेक जो है ना वो नहीं है। येलो वाली इनको हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि इसको सोल्व करने के लिए हमें पेड ग्रामरली चाहिए होगा, ठीक है। ग्रामर मिस्टेक कैसे सोल्व करनी ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। जो इसकी एक्सटेंशन कैसे इंस्टॉल करनी है ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। इसको नहीं पता, ऊपर आई बटन के अंदर ग्रामरली की वीडियो मौजूद होगी किस तरह से आपने ग्रामरली को ऑपरेट करना है और इंस्टॉल करना है, वो आप जाके देख सकते हैं। अब ये जो है इस आर्टिकल के अंदर फॉन्ट की जो है ऑप्टिमाइजेशन हो चुकी है।
बाकी रह गई इसमें आपका कीवर्ड, और इसके अलावा जो है इसके हमने एक आर्टिकल का क्या क्या चेक करना होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, प्लेजरिज्म, रीडेबिलिटी, ग्रामर मिस्टेक्स, और इसके अलावा ह्यूमन रिटर्न यानी कि एआई डिटेक्शन आपने इसकी चेक करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दोबारा से एक पैराग्राफ की जो चेक करके दिखा रहा हूँ प्लेजरिज्म। ठीक है, इसको हम कॉपी करेंगे और डुपली चेकर पे चले जाएंगे जो कि मैंने पहले बताया हुआ है। डुपली चेकर .com पे जाके हम इसकी प्लेजरिज्म चेक करेंगे। यहाँ पे अपना जो है टेक्स्ट पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद हम इसकी प्लेजरिज्म चेक करेंगे। प्लेजरिज्म चेक करने के लिए सबसे पहले हम जो है कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल होने के बाद हमें ये प्लेजरिज्म इसकी बता देगा कितने परसेंट इस आर्टिकल के अंदर प्लेजरिज्म है, इस पैराग्राफ के अंदर सॉरी। जैसा कि ये हमें नजर आ रहा है कि 100% यूनिक है हमारा जो है ये पैराग्राफ। इसी तरह से आपने सब के सब पैराग्राफ सेपरेटली चेक करने हैं, और अगर इसके अंदर प्लेजरिज्म आएगी उसको हमने क्या करना है, मैंने आपको पैराफ्रेजिंग के बारे में बताया हुआ है कि आपने क्विल बोर्ड पे जाना है और उस पैराग्राफ को पैराफ्रेज कर देना है। अब हम आते हैं सेकंड पैराग्राफ की तरफ। अब आप बल्कि इसी पैराग्राफ की आपको मैं ए डिटेक्शन चेक करके दिखाता हूँ। उसको हमने कॉपी किया दोबारा से, और आप चले जाएं writer.ai कंटेंट डिटेक्टर। इसके बारे में मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया हुआ है, ए कंटेंट डिटेक्शन वाली वीडियो में बताया हुआ है, तो आप आई बटन के अंदर आपको उसकी भी वीडियो मिल जाएगी, आप जाके वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे आके आप जो है अपनी जो है पैराग्राफ को पेस्ट करेंगे, उसके बाद ये इसको एनालाइज करके बता देगा इसमें कितने परसेंट जो है ह्यूमन रिटर्न है और कितने परसेंट इसके अंदर एआई रिटर्न है। तो इसको मैंने पहले से टिक किया हुआ है, और तो आपको ये 99% जो है ह्यूमन जनरेटेड बता रहा है, कुछ कमांड के जरिए भी ठीक हो जाता है जो मैंने आपको कमांड प्रीवियस वीडियो में लिखवाई है। अब इस आर्टिकल के अंदर हमने इस फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमने प्लेजरिज्म भी चेक कर ली है, इसके अलावा हमने इसकी एआई डिटेक्शन भी चेक कर ली है, ये 99% ह्यूमन रिटर्न भी है और 100% यूनिक भी है। उसके अलावा इसके अंदर ग्रामर मिस्टेक कोई भी नहीं है, जस्ट ये येलो अगर शो कर रहा है जिस तरह से आपको ये शो करवा रहा है कि करेक्टनेस भी और क्लैरिटी, इंगेजमेंट और डिलीवरी, और क्योंकि येलो वाला सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपको शो करता है पेड के लिए। ओके, तो इस तरह से आपने सारे के सारे जो अपने पैराग्राफ्स को चेक करना है, चेक करने के बाद फिर हमने इसको किसी क्लाइंट को सेंड करना है। ओके, तो इसके बाद इंशाल्लाह इसके अंदर हम पिक्चर ऐड करेंगे, इंशाल्लाह वो मैं आपको नेक्स्ट जो है वीडियो के अंदर बताऊंगा कि किस तरह से हमने एक आर्टिकल के लिए पिक्चर्स लेनी है और कहाँ से पिक्चर्स लेनी है और कैसे हमने इन पिक्चर्स को एक आर्टिकल के अंदर एडजस्ट करना है और उन पिक्चर्स के पीछे लिंक्स कैसे लगाते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।